अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप सब? तो मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हो? तो उसने आप लोगों को बताया था, बारिशों का बताया है, तो इसलिए सारी शीट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शीट्स भी मंगवा ली थी, दिखाई नहीं है वो, चलें फिर दिखा दूँगी आपको। तो मैंने कल भी व्लॉग, और जिनका व्लॉग जिनके लिए स्पेशल बनाना था उनका भी मिस हो गया, तो आज मैंने तकरीबन 3-4 लोगों के लिए ना व्लॉग बनाना है। बर्थडे जिनमें से 3 की है, एक है कल थी उनकी, क्या उनका नाम था, निकत उनका नाम था, तो उनके लिए मैंने, उनकी कल बर्थडे थी, तो सॉरी मैंने आपको विश नहीं किया। आपको आज हैप्पी बर्थडे भी करेंगे और आपके लिए क्रमलिंग भी करेंगे। एक फातिमा, उनकी आज बर्थडे है, तो उनको भी विश करेंगे। उसके अलावा कज़न जैसे मार, वो कह रही थी मेरी बर्थडे, मुझे समझ नहीं है उनकी बर्थडे है कब थी, लेकिन उनको भी विश कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा और कौन है? अच्छा, गाची की क्रमलिंग करनी है, स्पेशल गाची की क्रमलिंग करनी है सना खान के लिए, सबसे स्पेशल उनके लिए। उसके बाद करनी है नीतू विश्वास, उनकी बेटी बीमार है, वो कह रही थी आपका गाची टेक्सचर उन्हें बहुत पसंद है, तो वो बेड रेस्ट पर है, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी मैं क्रमलिंग करूँगी। और एक गाची वाला टेक्सचर करना है, उनका नाम क्या था, उनके नाम लेके ही करना था, चलें याद आ जाएगा, आएगा तो इंशाल्लाह ताला उनका नाम भी मैं आप लोग को बता दूँगी। यहाँ मेरे टेक्सचर देखें, न्यू स्लैब पे रख दिए ये टेक्सचर, इनमें से जो SH4 का ये वाला टेक्सचर वाइट है ना, इसका मेरा दिल कर रहा है आज मैं इसकी क्रमलिंग करूँ थोड़ी सी, तो देखते हैं या तो करूँगी या तो फिर एक वीडियो प्रॉपर बन जाए ड्राई होने पर। सही है, यहाँ इसकी करते हैं। हाँ जी, सीढ़ी उठा के कौन लेके जाएगा? कोई बड़ी लड़की, बड़ी लड़की की उठा के लेके जाए, खुद ही छोटी लड़की, छोटी गिरा ना दे आपको, नहीं। कौन सी माफिया को बुलाओ ना घर से उठा के इसको नीचे लेके जाए, मियाँ गिरा ना दे, खुद वो छोटी सी है। चले यहाँ क्रम्बलिंग करते हैं थोड़ी सी, वीडियो बनाने देखे ठक ठक की आवाज़ अंदर ही आ रही है। जी अजानें हो रही थी तो मैंने कहा अजानें सुन लेते हैं पहले, अब जो है वो दूर दूर की अजानें हैं, अजान हो रही हैं अभी थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ क्रम्बलिंग करते हैं थोड़ी सी और, इधर मैं कोई और टेक्सचर देखती हूँ। ये वाला देखते हैं, उनका टप में इसी में थोड़ी क्रम्बलिंग करूँ। ले लेते हैं पहले एक तस्वीर, ठक ठक हो रही है, पता नहीं वीडियो कैसे बनेगी, मुझे समझ नहीं आ रही, वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी। अच्छा, जो मैंने 3 पार्ट बनाए थे आपके लिए, आप लोग सबने बहुत पसंद किए, वो शुक्रिया आपका। कुछ लोगों ने मेरे टेक्सचर की तारीफ़ की और कुछ ने कहा कि वाकई सेम है, एक तो कह रही थी आपके सारे टेक्सचर सेम है, आप ऐसा करें एक ही जगह पे सबको इकट्ठे करके रख लें, अभी इनको अलग अलग रखा हुआ है।
चलो इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं लेस्ट वाटर में। अच्छा आप लोगों ने पानी वाली को बहुत मिस किया कि आपने वाटर क्रमलिंग नहीं की, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख के ना थोड़ी ना मिक्सिंग आपको दिखाती हूँ। थोड़ी क्रमलिंग भी करती हूँ। ठीक, इसकी वाटर क्रम्बलिंग भी हो जाएगी। मैंने कहा आप लोग कहते हैं वाटर क्रम्बलिंग भी व्लॉग में नहीं की, तो आज आपके लिए मैं वाटर क्रम्बलिंग कर ही दूँ। चले गाची की भी रिक्वेस्ट है, गाची की भी क्रम्बलिंग करें, और गाची की भी मैं क्रम्बलिंग करती हूँ। वो भी वाटर ड्राई भी करनी है, वाटर भी, तो फ्लोर पे भी करनी है। ठीक है, अब मैं ये करके गाची के पास जाती हूँ। इसको हम किसी इस पर निकाल लेते हैं किसी शीट पे, ताकि स्लैब बन जाएगी, क्योंकि टेक्सचर ब्रोक के लिए रखा हुआ है। चलिए इसमें करेंगे गाची की क्रम्बलिंग। चलें जी, साथ ही होगी एक स्लैब तैयार। मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ टप मंगवाया, कि ये वाला एक वो वाला, इसके ब्लॉग में ज़्यादातर क्रम्बलिंग में ऐसे ही करूँ, ताकि जो टेक्सचर वेस्ट होता है ना, वेस्ट होने के बजाय उसको बंदा संभाल ले फ़ौरन ही।
क्योंकि इसी तरह मुझे ना सबने ये कहा कि आपके टेक्सचर ज़्यादा इसीलिए मिक्स है, फ्लोर क्रम्बलिंग करती हैं, मिक्स क्रम्बलिंग हो इसलिए सारे टेक्सचर मिक्स हो जाते हैं। इतने मुझे ये कमेंट्स हैं आपके तक से सेम लग रहे हैं, सेम जो लास्ट पार्ट था ना शुक्र अल्लाह का, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो अब मेरा यही इरादा है कि मैं जो ब्लॉग में क्रम्बलिंग करती हूँ उनको फ़ौरन ही किसी तरीके से समेटा जाए, या उनके बोल बना दिए जाए, या ऐसे स्लैब बना दिए जाए, ताकि मेरे टेक्सचर मिक्स ना हो किसी के अंदर भी। और जो शेप्स के ऊपर करती हूँ वो भी मैं इसको छोड़ दूँ शेप्स के ऊपर करना, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, नुकसान यही नुकसान के टेक्सचर मिक्स हो जाते हैं। गाची की तरफ बाद में आती हूँ, काफ़ी टेक्सचर है। सना कह रही थी सारा गाची का आप कर दें व्लॉग में ही, तो मेरे हाथ अब गंदे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इससे मैं पहले की और क्रम्बलिंग करती हूँ। यहाँ एक चारकोल वाली वीडियो का सेटअप लगा, वैसे अब शोर कम, मैं वीडियो ना बना लूँ आप लोगों का क्या ख्याल है। और चलें यहाँ मैं कहीं और थोड़ा टेक्सचर देख के ना मैं। अच्छा मैंने आप लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या तरीका सोचा इनको लुक करने का, कुछ मैं इन सोचा कि कलर ऐड करूँगी, कुछ के अंदर टेक्सचर ऐड करेंगे। लाओ वो पीढ़ी इसके बीच सभी कर देने थे, सूखने में टाइम बहुत लगना है इसे, किसी चीज़ के साथ ना इसको काट दो जैसे ऐसे खांटी के साथ, अगर तो हो रहे फिर करना वरना फिर ऐसे ही रहने दो। चले यहाँ इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, इसको मैं टप में ही कर लेती हूँ। ये देखें ये मेरा ग्रीटी टेक्सचर है। तो यहाँ मैं पहले विश करती हूँ, कल उनकी बर्थडे थी निखत उनकी, तो उनको हैप्पी बर्थडे हो, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, कोई गम उनके पास ना आए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो उसके बाद हैं, चल उनके लिए पहले थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं यहाँ पे। टेक्सचर काफ़ी ड्राई हुआ है, इसका बाकी हिस्सा कौन सा टेक्सचर का कहाँ से डाल रही थी आपने? ये इसके ऊपर शायद यही है ना, ये वाला ठीक। तो अब विश करते हैं फातिमा को कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बाद रखे, अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला उनको कामयाबी की मंजिल दिखाए, हमेशा जो भी चाहें वो पा लें, अल्लाह ताला उनकी नेक तमन्नाएँ पूरी करें। ये इनके लिए क्रम्बलिंग है, चलें जी इसको भी यहाँ निकाल लेते हैं, या थोड़ी सी और क्रम्बलिंग कर दूँ इसी टेक्सचर की। लो पानी इसके अंदर भी डाल दो पानी, गुड। चलो ये ज़मीन पे कर लेती हूँ, ये टेक्सचर है थोड़ा इसको उठा ले। अच्छा ये ना मैंने लिक्विड निकाला है उसमें से, वो वाइट टेक्सचर में से निकला है, ठीक है, तो इसको किसी में ऐड ना फिलहाल करना। ओए होए चलिए यहाँ फ्लोर क्रम्बलिंग कर लेते हैं, इसका टेक्सचर यहाँ काफ़ी बिखरा हुआ है तो इसके ऊपर ही कर लेते हैं। अच्छा एक और थी, मुझे किसी ने कहा था गाची वाला टेक्सचर या मड वाला टेक्सचर स्टील, अच्छा किन्होंने कहा था उनका नाम तो याद था मुझे, अरिशा शायद कह रही थी कि स्टील की बकेट में करें, तो ये वाला कर दीजिए, टेक्सचर तो हार्ड हुआ है। अच्छा कज़न जैसे हमारे उनके लिए, उनकी भी हैप्पी बर्थडे थी तो उनको भी विश करते हैं यहाँ पे कि आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, ज़्यादा सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे,
अपने सामान में रखे, ज़्यादा ज़्यादा खुशियाँ दें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। तो आपके लिए ये क्रम्बलिंग करते हैं, चलें जी। यहाँ इसकी भी क्रम्बलिंग ख़त्म हुई, अब मैं सोची हम गाची के पास चलते हैं। ये मेरा थोड़ा सा ग्रे कंक्रीट वाला टेक्सचर है, एक जी है शेप्स टूटी है, इसको मैं इधर ही कर लेती हूँ थोड़ी सी क्रम्बलिंग इसकी भी। इसके ग्लास कैसे टूटे, ऊपर तो इतने प्यारे ग्लास लगे हुए थे लड़कियों, एक मैंने ग्लास किया था उसने। अच्छा चलें फिर ग्लास कर लेते हैं यहाँ क्रम्बलिंग इनकी, क्योंकि बड़े प्यारे लग रहे थे उसने। ये भी कर लेते हैं, ये सैंडमेंट वाला टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, इसको भी ना कुछ करना है। इसमें थोड़ा कलर और डाल दो लड़कियों, थोड़ा सा और डालो। यहाँ ये मेरा चारकोल एशेस वाला टेक्सचर है, इस ये भी रेडी है, इसकी भी मैं सोच रही क्रम्बलिंग कर लूँ, ठक ठक तो बंद हो चुकी है, अब लोग का बाकी सवाद में मैं कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ बैठ के मैं इसकी क्रम्बलिंग करूँगी ऐसे ही, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोग स्टाइल क्रम्बलिंग करें, कैमरे का एंगल ऐसे रख के तो ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको खोल लेती हूँ, तो ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है, इसको पहले उठाना यहाँ से लड़कियों। ये कुछ चीज़ से उठा लो, मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उतनी देर में टेक्सचर और की आपके लिए क्रम्बल कर देती हूँ। इसी का कर देते हैं मड का सैंडविच टेक्सचर, जो कभी हार्ड हुआ करता था, अब शुक्र अल्लाह का सॉफ्ट है। मैं इसको थोड़ा सही ही कर लूँ, इसमें रख लेते हैं। बहुत ऊंचा हो चुका स्टैंड मेरा, चले खैर है, वो टूटी है वो करते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा लग रहा है, अंदर दो ऊपर पड़ी हुई हैं। ये देखते हैं, अच्छा सॉफ्ट होने वजह इसका साउंड थोड़ा कम हो गया है। अब लोगों ने कहा ना अभी कह रही थी शेप्स के ऊपर नहीं करना क्रम्बल, असल में यहाँ एक इर्द गिर्द कोई ख़ास टेक्सचर नहीं कि मिक्स होने वाला है। ये देखें यहाँ भी जगह है, यहाँ भी है,
तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं, खैर है। वो उठा ली गई वहाँ से। चले यहाँ इधर मेरी भी पीढ़ी दे दो लड़कियों। चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। पहले मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ इस टेक्सचर की। ये चारकोल और जीरो साइज स्टोन टेक्सचर है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे मेरे टेक्सचर अलग मिलेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अभी।